शालोम फ्रेंड्स, यशायाह का किताब पांचवा अध्याय में वहां पे वचन इस तरह कहता है कि मैं एक परमेश्वर के लिए मैं गीत गाता हूँ। दाख लथा में एक अच्छा सा दाख लथा यानी ग्रेप ट्री जो है वो बगीचे में लगाया गया, उसके ऊपर अच्छा सा देखभाल किया गया, अच्छा सा उसके ऊपर काम किया गया और इंतजार कर रहे थे कि अच्छे फल आए। जिस तरह इस समय में एप्पल का पेड़ में आप लोग एप्पल देख रहे हो और मैं लाइव यहाँ से जो फ्रेश एप्पल निकाल कर मैं एप्पल भी खा रहा हूँ और जब मैं इस फलों को देख रहा हूँ मैं बहुत खुशी मना रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर काम किया गया है ना। पूरा साल इसके ऊपर मेहनत करते हैं उसके बाद में फल आता है। उसी तरह यशायाह का पांचवा अध्याय में उस दाख लथा के ऊपर काम किया गया, परिश्रम किया गया, मेहनत किया गया और अच्छे फलों का इंतजार कर रहे थे और जब आकर देखा बहुत ही कड़वा फल, कड़वा ग्रेप जो है उस पेड़ में दिखाई देता है। उस एक इंसिडेंट से आप और मैं क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें आशीष दे रहे हैं, हमें चंगाई दे रहे हैं, हमारे सांसें दे रहे हैं, हमें जीवित रखा है और हमारी हर प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी में चमत्कार कर रहे हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं और हमारे जीवनों के जरिए अच्छे फल लाना हमारा ये अनिवार्य है। वी हैव टू गिव द गुड फ्रूट्स फॉर द लॉर्ड बिकॉज ही इज गिविंग एवरीथिंग इन अवर लाइफ, ही इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग वट एवर वी नीड इन अवर लाइफ। वी हैव टू बेयर ए गुड फ्रूट, हमें अच्छे फल लाना जरूरी है। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है आपके और मेरी जिंदगी में अच्छे फल लाए क्योंकि वो सब कुछ हमें जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो आइए अच्छे फलों को देकर परमेश्वर को खुश करें और उसका मेहनत जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में किया है वो रंग लाए। गॉड ब्लेस यू।